हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ज्वाइंट वाली स्लीव्स की कटिंग करेंगे। और ज्वाइंट वाली स्लीव्स का कटिंग करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। कई बार कपड़े में जो है ये इस तरीके से जैसे ये प्रिंट बना है, कई बार सेंटर में होता है, कई बार साइड में आ जाता है। तो किस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है? तो इसका जो ये प्रिंट है ये थोड़ा सा साइड में है, तो इसमें ज्वाइंट लगेगा कहाँ पर, तो कैसे लगाएंगे परफेक्ट तरीके से। और इस ये जो कपड़ा है ये मैंने निकाला है, जो हमारे सूट की हम कटिंग करते हैं, एक साइड में हम सूट की कटिंग कर लेते हैं और साइड में जो स्लीव्स के लिए कपड़ा दिया हुआ होता है, जैसे कि ये देखिए इस तरह से एक स्लीव पर ये आएगा हमारा और एक स्लीव पर ये प्रिंट आएगा, ठीक है? तो दोनों स्लीव जो सूट के साइड में दी हुई होती है उस तरीके से ये कपड़ा मैंने निकाला है। हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और जो हमारा ये प्रिंट है इसका जो डायरेक्शन है वो हमने दोनों साइड से चेक कर लेना है, एक साइड होना चाहिए, देखिए इस तरह से, ठीक है? तो इसको इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। अगर ये उल्टा सीधा होता तो हम यहां से इसको कटिंग करते और फिर इसको सेट करते एक, ठीक है? तो इसको हमने कर लिया है फोल्ड। अब हमने करना क्या है, जो ये हमारा प्रिंट बना हुआ है, ठीक है, इसका बिल्कुल हमने ये सेंटर से इसको पकड़ना है, ठीक है? बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए ये, तो यहां से हम ये बिल्कुल इसका सेंटर आ रहा है, तो यहां से पकड़ लेंगे कपड़े को इस तरीके से और यहां से फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है? इस तरह से तो कपड़े में ये देखिए थोड़ी सी इसमें कांड भी आ रही है, तो इस तरीके से आपको इसमें फोल्ड करना है कपड़े को। ये लीजिए इस तरीके से। अब हमने इसकी लेंथ ले लेनी है, तो ये इस साइड से हम स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे, ये हमने चेक कर लेना है, और इस साइड से हम इसकी स्लीव्स की जो मोरी है वो रखेंगे। तो यहां से हम इसकी लेंथ ले लेंगे, यहां से हम कपड़ा निकाल लेंगे इसमें जो हमारा निकलेगा, क्योंकि हम कुर्ती बनाएंगे तो उसमें यूज कर सकते हैं कपड़े को। तो यहां से लेंगे, ये देखिए 18 इंच हमने इसकी लेंथ रखनी है स्लीव्स की, तो 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे फोल्डिंग के लिए, और जो शोल्डर पे ज्वाइंट करते हैं उसमें जाता है, तो यहां से इसको कट कर लेंगे पहले, ठीक है? अब देखिए जो ये कपड़ा है ये हमारा यहां से 2 पीस है, ये कम है यहां से, और 2 पीस हमारे यहां पर पूरे आ रहे हैं। तो आर्म होल हम एक बार चेक कर लेंगे, तो आर्म होल हमारे यहाँ पे 10 इंच आ रहा है और हमने यहाँ पर चाहिए आर्म होल रेडी 8.5 इंच, तो बिल्कुल परफेक्ट है हमारा ये कपड़ा यहाँ से। तो इसमें दो हम यहाँ पे पड़त की यहाँ पे ज्वाइंट लगाएंगे, ठीक है? एक साइड हमारी ज्वाइंट आएगी। तो हमारे पास ये कपड़ा है, ये भी हमारा जो बैक पल्ला हमने निकाला था कुर्ती का उसी में से निकला था, तो इसी को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहां पर रख लेंगे इसको, ठीक है? और यहां से फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे, देखिए इस तरीके से मार्क कर लेंगे एक बार, और ये इस तरह से यहां से हमने 1/2 इंच कपड़े को दबा के और फिर रखना है, ठीक है? यहां से 1/2 इंच जाएंगे सिलाई में, तो 1/2 इंच हमने इसको दबाते हुए फिर रखना है। ये लीजिए, ठीक है, इस तरीके से ये ज्वाइंट हमने लगाना है इसमें। अब हम स्लीव्स की इसमें कटिंग कर सकते हैं, तो ये देखिए यहां से 20 इंच हमने ली है, 18 इंच रेडी रखनी है स्लीव्स हमने। तो यहां पे आप जितना हमने स्लीव्स की मोरी रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम रख लेंगे, तो 6 इंच हमने यहाँ पे रखनी है, 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, 5.5 रखनी है सॉरी, तो 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन ले लेंगे, ठीक है? और यहां से हम इसमें 3 इंच इसको डाउन देते हैं और यहां पे आर्म होल चेक कर लेंगे, 8.5 आ रहा है हमारा कुर्ती में,
देखिए इसको यहां से मिला देंगे। और यहां से ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इसकी हम गोलाई की शेप देंगे। तो यहां से हमने 2.5 या 3 इंच तक इसको सीधा रखना है और फिर यहां से गोलाई देनी है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी गोलाई आ गई है। और फिर यहां से हमने इसमें फ्रंट की जो है वो काट डालनी है इस तरीके से। जो फ्रंट की काट है वो हम जो नीचे वाले पार्ट है दो जिसमें हमारा जॉइंट नहीं आएगा उसमें डालेंगे, ये वाला साइड हम बैक साइड कर देंगे। कटिंग कर लेते हैं। ये लीजिए, ठीक है। और अगर आपको स्लीव्स जो है बिल्कुल फिटिंग में चाहिए तो आपको यहां से इसको थोड़ी सी इस तरीके से गोलाई देके और फिर इसको मिलाना है। ठीक है, इस साइड से थोड़ी सी अंदर की साइड हम गोलाई इसमें देते जाएंगे और फिर इसकी यहां से फिटिंग करेंगे तो बिल्कुल फिटिंग की स्लीव्स, अगर आपको फिटिंग की चाहिए तो, अगर आपको नॉर्मल स्लीव्स चाहिए तो आप इस तरीके से सीधा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्लीव्स की हमारी कटिंग हो गई है। अब देखिए दो पीस ये हम उठा देंगे और जो नीचे वाले हैं उसमें हम इसमें कटिंग करेंगे इस तरह से रख लेते हैं। ये देखिए यहां से ये देखिए बस इतना ही कपड़ा हमने निकालना है, ज्यादा नहीं निकालना है। और ये स्लीव्स की हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।